हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं वेल एकेडमी। नाउ इस वीडियो में ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्राफ चैप्टर। नाउ ग्राफ यहां पे आगे जो हम ग्राफ बनाते हैं वो आएगा, लेकिन उससे पहले पीरियड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पे साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टेन, कॉट, इसके पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियडिक फंक्शन क्या है। सो पीरियडिक फंक्शन पहले क्या है, तो पीरियडिक फंक्शन का डेफिनेशन है, फॉर अ फंक्शन एफ इफ पी ग्रेटर देन जीरो एंड एफ ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन एफ इज कॉल्ड पीरियडिक फंक्शन। अब पीरियडिक फंक्शन हम किसको कहते हैं, जहां पे p की वैल्यू जीरो से ज्यादा है और x प्लस पी एफ ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नाउ p यहां पे क्या है, p यानी पीरियड। अब पीरियड हमें फाइंड करना है, तो पीरियड के लिए यहां पे दिया हुआ है साइन, कॉस, सेक और कॉसेक, इनका पीरियड है 2 पाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। 10x cot x का है पाई अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां पे 2 पाई और यहां पे पाई। नाउ ये सारी चीजें थियोरेटिकली, यानी कि ऐसे कहने में बहुत हार्ड लग रही है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, साइन 7x, साइन 7x मुझे दिया हुआ है और मुझे इसका पीरियड फाइंड करना है। तो पीरियड हम किस तरह से फाइंड करते हैं, तो पीरियड यहां पे फाइंड करते हैं 10x cot x, इसका पाई दिया हुआ है, लेकिन साइन cos x cos x का दिया हुआ है 2 पाई। तो हम साइन के बारे में बात करें तो साइन, उसके लिए हम क्या लेंगे, 2 पाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो पीरियड क्या दिया हुआ है, पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पे x के, x का कोएफिशिएंट है 7। नाउ अगर x बाय 6 दिया हुआ होता है तो उसका कोएफिशिएंट है 1/6। 4x दिया हुआ है तो 4 होगा। सो कोएफिशिएंट यानी ये आपको पता होगा आई गेस। नाउ यहां पे 7 रख देना है, तो यहां पे पीरियड क्या है, 2 पाई बाय 7। अब 2 पाई बाय 7 फाइंड कर लिया मैंने। नाउ यहां पे अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि ये जो फंक्शन है वो पीरियडिक फंक्शन है या नहीं, वो चेक करो, तो पीरियडिक फंक्शन चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना है, ये कंडीशन हमें आनी चाहिए। तो ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, डायरेक्टली इसी एग्जांपल से हम चेक करेंगे साइन 7x ये पीरियड पे है या नहीं, पीरियडिक फंक्शन है या नहीं। तो ये एक दूसरी मेथड भी कह सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 7x, ये ऑलरेडी हमारे पास है। अब एफ ऑफ एक्स प्लस पी, तो एक्स प्लस पी यानी पी की जगह पे रख देंगे 2 पाई बाय 7, तो 2 पाई बाय 7, तो जहां पे भी x आएगा उसकी जगह x प्लस पी। तो यहां पे साइन 7 और x की जगह पे आएगा x प्लस 2 पाई बाय 7। नाउ 2 पाई बाय 7 यहां पे, अब x को जैसे ही मैं अंडर मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे आता है 7x प्लस 2 पाई, और इसका पीरियड क्या है, 2 पाई बाय 7 हमने रख दिया, 7x प्लस 2 पाई। नाउ आपको पता है 2 पाई की वैल्यू है 0, 360 इक्वल्स टू 0, तो यहां पे मैं 2 पाई की जगह 0 रखूंगा, तो मेरे पास आएगा साइन 7x। तो ये साइन 7x एफ ऑफ एक्स प्लस पी और एफ ऑफ एक्स दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये पीरियडिक फंक्शन भी है। नाउ इसकी मेथड है, ये एक दूसरी मेथड है, पीरियड आप अगर ये मेथड से फाइंड नहीं करते हो फॉर्मूला से, तो यहां से भी फाइंड कर सकते हो। कैसे, तो यहां पे 7x जो है ना, उसके साथ आप क्या ऐड कर दो कि 7x प्लस 2 पाई। नाउ यहां पे मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x जो होगा ना, उसको बाहर निकाल देना है। आई मीन टू से कि यहां पे अगर आपके पास है 7x प्लस 2 पाई, तो मुझे यहां पे कॉमन क्या निकालना है, 7 को कॉमन निकालना है, यानी कि कोएफिशिएंट x के साथ जो भी हो उसको मुझे अलग कर देना है। तो 7 को मैं कॉमन निकालूंगा, अंदर रहेगा x प्लस 2 पाई, उसके पास 7 नहीं है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो यहां पे 2 पाई अपॉन 7 आ जाएगा, क्योंकि यहां से भी मैंने 7 को कॉमन निकाला हुआ है। तो यहां पे ये आ जाता है x प्लस 2 पाई बाय 7। नाउ डेफिनेशन के हिसाब से x अकेला होना चाहिए और ये जो वैल्यू होगी वो हमारी p की वैल्यू होगी, तो ये 2 पाई बाय 7 क्या है, वैल्यू ऑफ p है, जो हमें यहां से मिलती है। ये आप इसमें से भी निकाल सकते हो अगर इस मेथड को फॉलो करते हो, लेकिन मेरी मानो तो ये ज्यादा इजी रहेगा ये इस तरह से सॉल्व करना।
सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया है, और इसके रिलेटेड पीरियोडिक फंक्शन के रिलेटेड और भी एग्जांपल्स हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई है, वहां से आपको डिटेल्स से आप मुझ तक पहुंच सकते हो और आपको नोट्स मिल जाएगी। नाउ ये जो है 2π = 0, ये कहां से आया, तो ये आप प्रीवियस वीडियोस में मेरी देख सकते हो, वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ ये सब एग्जांपल के साथ कि 2π 0 क्यों आएगा, यूनिट सर्कल क्या है, फॉर्मूलास क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने वेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियोस आने वाली है, सो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।